आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। कल रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच बैठक चली है और बताया जा रहा है कि ये मीटिंग दरअसल नई चिट्ठी के जरिए लगे आरोपों को लेकर की गई। ये नई चिट्ठी आईपीएस रश्मि शुक्ला की है, जिसको कल देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक किया और बताया कि किस तरह से लगभग 7-8 महीने पहले की यह चिट्ठी है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से बाकायदा ट्रांसफर पोस्टिंग का गोरखधंधा चल रहा था, दलालों के जरिए यह गोरखधंधा चल रहा था, इसकी सूचना इसमें दी गई थी, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस बात की जानकारी खुद उद्धव ठाकरे को थी, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री को होने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसमें नेता से मंत्री तमाम लोग शामिल थे, इशारों में ये बात भी कही गई, बकायदा कॉल डिटेल्स थे उन लोगों की, तमाम तरह की बातें। और इस बीच कल रात ये बैठक